गाइस मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट प्रेप हेल्प वीडियो, और इस प्रेप हेल्प वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ वाइल स्टडिंग। पहली बात तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 45 मिनट्स एवरी डे आपने आपके हेल्थ की तरफ देना चाहिए फिजिकल मेंटल हेल्थ पे। तो ऑब्वियसली मैं इसमें बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, पहले जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, और दूसरे ऐसे पर्सन जो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है और जिनके पास कोई एक्सरसाइज नहीं है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप दिन भर पढ़िए और रात को स्पोर्ट्स खेलिए, सो दैट आप आने के बाद थक के सीधा सो जाओ और सवेरे जल्दी उठ के पढ़ना शुरू करो। पर जिनके पास कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग डेली 25 मिनट्स आप वॉकिंग कीजिए, आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, फास्ट वॉकिंग कीजिए, जिससे आपका हार्ट अच्छा सा हेल्दी रहेगा और काफ़ी अच्छा ब्लड पंप करेगा और आप फ्रेश फील करोगे पढ़ने के पहले। इसके एडिशन में आप 15 मिनट्स का मेडिटेशन ऐड कर दीजिए। नॉर्मली बहुत सारे मेडिटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर हम रिकमेंड करते हैं ईशा क्रिया, ये जो यूट्यूब पे अवेलेबल है सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा 15 मिनट्स। अगर आप ये करोगे तो आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों बहुत स्ट्रांगली मेंटेन होगा, और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको पहले 2 घंटे लगते थे, वो पढ़ने के लिए आपको 1.25 या 1.5 घंटे में ही काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 45 मिनट्स देके आप 10 घंटे का काम नियरली 7 या 8 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे, 10 घंटे का स्टडी 7-8 घंटे में खत्म कर दोगे। बस ये चीज़ को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।